So, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ से, जैसे आपको बताया है मैंने, आप कोई से भी वेबसाइट जाके उसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने वेबसाइट बना ली है, अली खोल लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी। तो खुल गई, तो आप ये देख सकते हैं हमारी खुल गई, तो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको एक्सपोर्ट करनी हो, आप लोग जाएंगे यहाँ पे प्लेस इमेज, जहां से नहीं एक्सपोर्ट का ऑप्शन, एक तो यहां से आता है एक्सपोर्ट, एक तो यहां से आता है और एक यहां से आता है, आपको बताता हूँ, और एक यहां से आता है बस, सही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, इनके भी बारे में बताएंगे, आप सबर करो, सब बताएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट करना कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, अब यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का ये वाला तो ऑप्शन आ गया, एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ, तो आप पीडीएफ में भी ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑप्शन एक आता है, यहाँ से एक्सपोर्ट लेयर, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पीएनजी, जेपीजी, एफजी, पीडीएफ। आप जेपीजी कर दे, यहाँ पे आप कुछ छप एक्सेस आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। और अगर आपको कलर चेंज करना तो आप पहले से कर लें, तो फिर एक्सपोर्ट आप जल्दी कर लेंगे। जैसे मैं कलर रेड ये व्हाइट ग्रे कर दिया हमने, ऐसे आप करके फिर कंट्रोल ए करके एक्सपोर्ट कर दे। यहाँ पे हमने अगली वीडियो में बड़ी प्यारी सी वेबसाइट बनाई थी, तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले, और अगर आपको ऐसी ही देखनी है वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट। आपको यहाँ पे एक 1x मैंने लिख दिया 5 TW। अब ये हुआ, तो अब आप सोचेंगे ये तो ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूं। आपको बस सिंपली इधर दबाना है, राइट क्लिक करना है, एक्स्ट्रा फाइल्स ओके दबा देना है। यस, यहाँ पे नीचे आ गई, तो अब ये देख सकते हैं पिक्चर्स आ गई, पिक्चर्स अलग पिक्चर्स भी आ गई हमारी। और अगर आपको HTML CSS में बनाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML, यहाँ पे मैंने लिख दिया इमेज शेरिक दे दी वेबसाइट, जैसे कि अभी मैं ये वाली ले आता हूँ कॉपी, और वह PNG फाइल है, और पे यहाँ पे पेस्ट की .png। अब सेव किया, एक मिनट, तो सॉरी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इरेज करा फाइल, न्यू फाइल, और ये फाइल हम लोग सेव कर लेते हैं जैसे डाउनलोड अंटिल 1index.html। अब जब हम लिखेंगे .png, अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे जाएं, अब खोलें, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा आ चुका। अब आपको ऐसे ही, जैसे अब ये पिक्चर आई कॉपी इमेज शेयरिंग पेज .png सेव रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं इजली से, और आप बना भी सकते हैं। और अगर अलाइन करना है, तो आप ऐसे अलाइन भी कर सकते हैं, स्टाइल इधर मैं लिख दिया लाइक इमेज इमेज टेक्स्ट अलाइन शुल बी सेंटर, और यहाँ पे आप सेव करें, फिर रिफ्रेश करें, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। और यहाँ से हमने फिगमा बता ही दिया, सॉरी फिगमा भी हम लोग फिर खोल लेते हैं। ऐसे आप इजली से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो या फिर फाइल को, ऐसे आप वीडियो या फिर फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको आप बना के करना चाहते हैं, पहले मैं वो वेबसाइट बनाऊंगा फिर करूंगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इन जैसी फाइलों पे भी कर सकते हैं, ये जो आपके पास अभी नजर आ रही है, ये अभी मैंने खोली है, आप इस ऊपर इस वाली फाइलों पे भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इन फाइलों पे कंट्रोल ए गए, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ले, ऐसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, मुझे पीसी बनना हमारा
फट जाएगा तो अब मैं ऐसे भी हटा दिया, ऐसे भी हटा दिया, ऐसे भी हटा दिया, डिलीट। अब ये देख सकते हैं आज की वीडियो में सिर्फ हमें यही बताया, छोटी सी वीडियो थी, आप कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें बस ये बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।